YouTube के सभी दर्शकों को एक बार इस चैनल में फिर से स्वागत है। आज अशिक्षा के दुष्परिणाम के बारे में चर्चा करेंगे। कहा जाता है अशिक्षा एक राष्ट्रीय कलंक है जिससे मनुष्य का सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। पहला कारण, मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में बाधा पहुंचाती है जिसके कारण वह अपने परिवार का विकास नहीं कर पाता है। दूसरा कारण, व्यक्ति का सामाजिकरण में बाधा पहुंचाती है। जब बच्चा जन्म लेता है वह न तो सामाजिक होता है और न असामाजिक, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है वह कुछ सीखता है और सीखने के क्रम में जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा उसका समाजीकरण नहीं हो सकता है जिससे परिवार का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य को शिक्षा से जोड़ना होगा, तभी उसका संपूर्ण विकास हो सकता है। तीसरा कारण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास में बाधा पहुंचती है। आधुनिक युग में देखा जा रहा है कि वैज्ञानिक होने के कारण आज व्यक्ति को एक दूसरे देश से संबंध स्थापित करना होता है, लेकिन अगर वह व्यक्ति अशिक्षित है तो उसके संबंधों में दरार हो सकता है, क्योंकि जब तक वह शिक्षित नहीं होगा उसे दूसरे देशों की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती है। इस तरह से देखा जाए तो यह एक राष्ट्रीय कलंक है। चौथा कारण, आधुनिक युग में आज औद्योगिकीकरण होने के कारण ऐसे ऐसे मशीनों का आविष्कार हुआ है जिसमें शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर वह व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो वह उस मशीन को चला नहीं सकता है और जिसके कारण उसे उद्योग धंधों में दूर रखा जाता है, और जब वह उद्योग धंधों से दूर होता है तो वह आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ जाता है, और जब वह आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ जाता है तो उसका पारिवारिक जीवन का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उसे शिक्षित होने की आवश्यकता है। पांचवा कारण, राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश। आज के युग में अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है और वह अशिक्षित होता है तो वह भारतवर्ष के विकास में बाधक है, क्योंकि उसे सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। देखा गया है कि आज अधिकतर व्यक्ति अशिक्षित होते हुए उस क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, लेकिन विकास की ओर देखा जाए तो जिस तरह से एक शिक्षित व्यक्ति विकास कर सकता है अशिक्षित व्यक्ति विकास नहीं कर सकता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें शिक्षित होने की आवश्यकता है। धन्यवाद।